कमरा है इन लोगों का, चार परिवार रहते हैं ठीक है, जिसमें ये कैसे गुजारा करेंगे ठीक है। और देखें वो बाहर पर वो चारपाई पड़ी हुई ये पड़ी है, मतलब खुले मैदान में रहते हैं, पदर में मैदान में रहते हैं। बारिश वगैरह जब आती है तो फिर चार फैमिली कैसे शापर ले आते हैं, शापर लेके आते हैं, 12 बच्चे इसके। अच्छा ठीक है, छोटे छोटे ये सब बच्चे इसके भाई के। जी जी ठीक है, तो फिर 700 में गुजारा हो जाता है। नहीं क्या करें, अभी टाइम पास करते हैं, आटा है 5000 का, 5000 5000 का हाँ माना आता 5000 का। और घी वगैरह, फिर घी क्या? घी 450-450। तो गाइस महंगाई बहुत ज्यादा है, जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चीनी 200 रुपए किलो, आटा 5000 रुपए का 40 किलो एक मान यानी के ठीक है ना। घी घी 400 रुपए किलो, और चीनी 200 रुपए किलो चीनी है, 400 रुपए किलो घी है, 5000 का मान आटा है। फिर मतलब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। और हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, मैं और राठौड़ भाई, इनका एक यूट्यूब का चैनल था पुराना जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे पहले से, उस पर तकरीबन 3000 सब्सक्राइबर्स भी थे, और वो चैनल ना किसी तरीके से जो है टर्मिनेट हो चुका था, हमसे यानी कि जा चुका था। तो हमने काफ़ी देर मेहनत भी करते रहे काफ़ी टाइम तक, और एक नया यूट्यूब पे चैनल बना लिया जिसका नाम राठौड़ व्लॉग है। तो अब वो जो पुराने वाला चैनल था ना, वो अभी हमारे पास दोबारा आ चुका है, लेकिन उस पर कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है जिसकी वजह से हम जो है ना उसे मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे इधर एक भाई है जो कि थोड़ा मतलब कि टेक्निकल है, तो अभी हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया है और जा रहे हैं जी उनके पास अपना चैनल जो है मोनेटाइज करवाने के लिए। तो राठौड़ भाई भी नमस्ते जय श्री राम। तो भाई लोगों दुआ करना कि मेरा चैनल जो है ठीक हो जाए, कोई इशू है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मेल भी आ चुकी है कि मोनेटाइज कर लें, लेकिन हमने कोशिश बहुत की है, ट्राई बहुत की है, वो मोनेटाइज नहीं हो रहा। एक टेक्निकल भाई है, उनसे जाके मिलते हैं, उनसे जाके हेल्प लेंगे, दुआ करना। धन्यवाद जी। दोस्तों अभी जिस रोड पे हम जा रहे हैं, ये शेख जायद रोड इसे कहता है। ओहो यार, जानबूझकर इस बंदे ने ना हरण दिया ताकि हमारी वीडियो ख़राब हो सके, लेकिन कुछ नहीं होगा ठीक है ना। अच्छा तो जिस रोड पे भी हम जा रहे हैं इसे शेख जायद की रोड कहते हैं, और शेख जायद ने ही इसे बनवाया हुआ है ठीक है ना। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रोड है, ये देख लो जी, ये शेख जायद रोड इसे कहते हैं, और बहुत ही तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और काफ़ी देर हो, वैसे काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पर, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं हम यहाँ पर बैठे हुए थे, चाय वगैरह पानी वगैरह सारा कुछ पी लिया, लेकिन वो मैं शूट नहीं करवाया हूँ। और ये यार काफ़ी बड़ा ना मतलब के हिंदू विलेज है हमारा, देख सकते हो, और ये मतलब के ना बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर ये भाई लोग बैठे हुए हैं, आप सबको मिलवाते हैं अभी इनसे ठीक है ना। राम राम भाई जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, आप सुनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे हमें। जी मेरा नाम पूरन कुमार है जी, जय मैं हिंदू हूँ ठीक है, ये मेरा घर है, यहाँ पर रहता हूँ ठीक है, और ये भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। क्या नाम, आपका क्या नाम है सर? रामचंद। रामचंद, अच्छा तो आप क्या काम वगैरह करते हैं? ये मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं, और आप? नांगूराम भाई। नांगूराम, अच्छा आप क्या करते हैं मतलब? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं भाई। मेहनत मजदूरी करते हैं, बोलेंगे या तो मेहनत थोड़ी तेज से बोले भाई। अच्छा मजदूरी कर रहे, तो आपका ये घर आपका है सर? जी देखिए आप, मतलब कि क्या काम वगैरह करते हैं भाई? हम देखे मजदूरी करते हैं, तरीक मजदूरी करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, और कोई मिल जाता है तो काम पे चले जाते हैं, नहीं तो घर पे रहते हैं। सही हो गया, देख सकते हैं कच्चे मकान है, कच्चे घर है ये, अगर इनकी कोई सपोर्ट करना चाहता है। ये गाइस इनका घर है जी, और बिजली वगैरह लाइट वगैरह है या ये समसी प्लेट है? समसी के ऊपर, यहाँ पर बिजली नहीं है। अच्छा बिजली नहीं है? नहीं बिजली का कब से है कुछ। ये गाइस इनका घर है, और दरवाजे के ऊपर ही भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की फोटो भी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और महादेव का पुजारी हूँ। महादेव के भगत हो? महादेव। क्या बात है भाई। तो दोस्तों यानी कि बैटरी जो है ना मोबाइल इसकी कैमरे की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, तकरीबन आधा घंटा हमने इसे चार्जिंग पे लगाया, और बैटरी अब जाकर कुछ ना कुछ चार्ज हो चुकी है, 32% मेरे ख्याल में हो चुकी है, जो हमारे लिए काफ़ी है ठीक है ना, व्लॉग वगैरह बन नहीं जाएगा। और ये भाई लोग जो है, ये सब लोग मतलब कि इसी गाँव में रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में मैंने सबका इंट्रो तो करवा ही दिया था, और हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पर चार्ज हुआ था सैमसी प्लेट पर। तो ये क्या किचन वगैरह क्या है भाई? ये किचन है। ये किचन है, ये बरांडा भी कहते हैं इसे भाई, किचन भी कहते हैं, यहाँ पर जब गर्मी होती है। अच्छा अच्छा, जो बरसातों होती है, फिर इस पर
रोटी शोटी बनाते हैं। अच्छा, यानी कि जब बरसात वगैरह होती है तो छत है, पानी नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना? बनाते हैं, ठीक है। ये भी किचन है? ये भी किचन है, ये बनाना है, अभी बनाया नहीं है पूरा मुकम्मल। अच्छा अच्छा, बनाने के लिए अभी सेटअप कर रखा है, मगर अभी हालात पूरे डाउन है इसलिए नहीं बना सका। और यहाँ पर ये जी हमारे कुलदेवी है, कुलदेवी है जी, ये देख लो जी, कुलदेवी का ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, इसके अंदर बैठी हुई है जी, ये शायद आपको नजर आ रही होगी, कैमरा अंदर नहीं जा रहा है, वो देख रहा जी, फेस वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है ना? ये हमारी मंगला देवी है, जो कुलदेवी होती है, जो नीलों की होती है, जो हिंदू मंगला देवी कौन सी होती है? हाँ बिल्कुल, कुलदेवी मंगला देवी ये नाम होता है ना? वो है। अच्छा, इस साइड पर कब्रिस्तान पड़ जाता है आपके? ये कब्रिस्तान है। और ये गड्ढे इतने इतने बड़े क्यों बना कर रखे हैं घर के पास? ये भाई इसने दीवार जो इन लोगों ने बनाई थी ना, अच्छा, ये जितनी ऊपर है जितनी नीचे है धरती के अंदर, फिर इसलिए वो आधी मिट्टी इधर से उधर डाली, फिर अच्छा अच्छा, तो मतलब मिट्टी यहाँ से उठाई है उन्होंने। तकरीबन यहाँ पर कितने घर होंगे हिंदुओं के? तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 200-300 घर हो, 200-300 घर हिंदुओं के हैं तकरीबन। हाँ, ये गांव टोटल तकरीबन हिंदुओं का ही है। अच्छा अच्छा, तो ये वाले भी हिंदुओं के घर है पीछे? ये जितने हैं सब हिंदुओं के घर है। अच्छा अच्छा, आप काम क्या करते हो? यार मैं मजदूरी करता हूँ, तरीक मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मिल जाती है तो चला जाता हूँ, नहीं तो घर पर बैठे होते, क्योंकि हालात पूरे सुरे हैं। नहीं, तकरीबन एक दिन की कितनी आपकी मजदूरी बन जाती है, अगर आप करने जाते हो मिल जाती है आपको तो? 700 रुपये दिहाड़ी देते हैं। 700 रुपये दिहाड़ी, ठीक है ना? तो उससे गुजार हो जाता है इतनी महंगाई में? नहीं होता। तो गाइस ये देख सकते हैं जी, तकरीबन 700 रुपये एक दिहाड़ी के कमाते हैं, लेकिन 700 रुपये भैया क्या बनता है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है, महंगाई की हालत में क्या, मतलब गुजारा भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ये देख ले, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तकरीबन एक बेटा था, वो तो फौत हो चुका है। अच्छा, अभी कितने हैं? मतलब अभी ये एक ही है, एक ही लड़की है ये। तो मैंने ना भाई को एक सजेस्ट किया, एक सलाह दी है कि आप अभी यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब का चैनल बनाओ। तो मतलब क्या ना, अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब का चैनल बना कर दूँ इन्हें, क्योंकि हमने आगे जाना है, ठीक है ना? तो हम जाएँगे आगे, तो इनके साथ विजिट करने वाले हैं। और भाई जब YouTube का चैनल बनाएगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने जाना है भाई को फुल सपोर्ट करना, ठीक है ना? जैसे ही वो फर्स्ट व्लॉग हमारे साथ इन्होंने शूट कर लिया है, लेकिन अभी चैनल बनाने वाले हैं, तो आप लोग जाएं फुल सपोर्ट करें। तो दोस्तों अभी हम भाई के घर से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे, जो कि आगे का मंजर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है और थोड़ा सा डेंजर भी है, ठीक है ना? ये आप लोग देख सकते हो आगे का जो इलाका है, ये थोड़ा सा खतरनाक है इधर का, ठीक है ना? यहाँ पर मतलब कि थोड़ा खतरा होता है, लेकिन हम जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी जाकर बैठते हैं और वहीं से भी मिलवाते हैं। ये जगह जो है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट का एरिया है और डेजर्ट में हम आए हैं, ठीक है ना? कुछ इस तरह का एरिया है ये, चार पहिए वगैरह धूप में रखी हुई है, यहाँ पर धूप में सोते हैं, रात को सोते हैं इधर ही पड़े रहते हैं ना, इधर पड़े रहते हैं। सही हो गया, गरीब थी ये भाई, क्या करें, यहाँ के गरीब लोग हैं। हाँ बिल्कुल, हिंदू लोग हैं जितने भी हैं, सही, जिनका कुछ भी काम नहीं बनता। चार पहिए भाई उठा उठा कर छांव में लेके जा रहे हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? जोगी जी। जोगी जी क्या काम करते हैं? ये जमीन का, जमीन का काम। चलो ठीक ठीक, चलो बैठते हैं फिर आपसे हाल वाल लेते हैं। ठीक है सर। उठिया चेतन, उठिया। तो गाइस अभी जा रहे हैं इनके घर में और ये है जी इनका घर। तो अभी हम इन भाइयों से भी मिलवाते हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं आपके साथ और इनकी लाइफस्टाइल वगैरह भी दिखाते हैं कि ये क्या काम वगैरह करते हैं। अच्छा, ये क्या बना हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है? ये बैठने की जगह नहीं है सर, इसका पर्दा बना हुआ। अच्छा, उठन बैठन का। अच्छा, यानी कि इसके ऊपर कपड़ा डाल के इसके नीचे बैठते हैं? हाँ हाँ, इसका बच्चा इधर सोता है जो शादीशुदा होते हैं। अच्छा, जो बड़े होते हैं जो उधर सोते हैं। अच्छा, तो मतलब कि कमरे नहीं है? कमरे नहीं है। तो गाइस देख सकते हो इनके पास कमरे नहीं है, तो इन्होंने ना ये जुगाड़ लगाया हुआ है, ये लकड़ियां लगा कर ना इसके ऊपर कपड़ा ऐसे इधर उधर लटका देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप, मैं आगे भी है ना,
ये इस तरह की जगहों पर रहते हैं भाई यार, बहुत ही हालात ख़राब है यहाँ के, ये देख सकते हो। ये अपनी इन लोगों की जगह नहीं है। अच्छा, ये जगह इन लोगों की नहीं है, अपनी नहीं है, ये किसी की जगह में बैठते हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जो चौधरी होते हैं, उन लोगों की ज़मीन होती है, उनमें बैठते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो इनकी जगह भी अपनी नहीं है, ये दूसरों की जगह में बैठते हैं और यहाँ पर कपड़ा मेरे ख्याल में से करते होंगे ना। हाँ, कपड़ा क्योंकि तंबू टाइप का बन जाता है, टेंट टाइप पर्दा बनाने के लिए, क्योंकि उधर बड़े होते हैं यहाँ पर जो जुड़े। ये देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ इस तरह के माहौल है भाई, और जंगल है भाई, इस जंगल जैसा एरिया है। मैं ऊपर से थोड़ा जाकर ना आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर घर दिखाते हैं हम इनका। वो देख लो जी, ये इलाका आप देख सकते हो आपके सामने है भाई, जंगली इलाके में एकदम से रहते हैं, जंगली बिल्कुल। चौधरी होते हैं, उन लोगों की जगह में बैठे हैं, इन लोगों की अपनी नहीं है। देखें आप, ये रहा इनकी चारपाई, वो पड़ी चारपाई, क्योंकि जगह नहीं है ना सोने के लिए। तकरीबन इन लोगों के तकरीबन बच्चे तकरीबन 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं। बोल, एक आदमी घुमाने वाला होता है जो देख नहीं कर सकता। बच्चों की हालत देखें आप, ठीक है, माल है नहीं, ये बकरियाँ छोटी बकरियों में क्या बनता है। अच्छा, तो ये जगह जो है, ये घर आपके अपने हैं या किसी दूसरे के हैं? दूसरे के, जमींदार के। जमींदार के, चौधरियों की जगह। हाँ, चौधरी जिस बैठे थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, ये भाई क्या नाम भाई आपका? धर्मू, धर्मू राम। और ये देखते हैं इस बच्चे का क्या नाम है? इसका नाम है राजीव। राजीव, राजवीर, राजवीर, राजवीर। अच्छा, आपका क्या नाम बताया था आपने? जोगी जी। जोगी जी, जोगी जी, आपको कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे थे, 2 मर गए अभी। अच्छा, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके। हाँ सर। और ये जो जगह है, यहाँ पर आप कितने तकरीबन घर रहते हैं? इधर 4 घर रहते हैं। 4 घर, ये एक कमरा एक बना हुआ है, बस ऐसे टाइम पास करते हैं रेंद्रोई में, खुली जगह में, मतलब खुली में टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, आगे मतलब कोई सर्दी वगैरह आने वाली है तो फिर कैसे गुजारा? झुग्गियां बनाए गए, झुग्गियां बनाएंगे, झुग्गियां बनाए गए, छपरा बनाए गए। अच्छा जोगी जी, ये बताओ कि आप काम काज क्या करते हैं? काम मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, तो कितनी दिहाड़ी आपकी तकरीबन? दिहाड़ी है 700 तरीके, जिसमें ये इसके बच्चे तकरीबन 10-12 बच्चे इसके। अच्छा, ठीक है, छोटे छोटे ये सब बच्चे इसके भाई के। जी जी, ठीक है, तो फिर 700 में गुजारा हो जाता है? नहीं, क्या करें, अभी टाइम पास करते हैं। आटा है जाए 5,000 का, 5,000 का। हाँ, माना आता 5,000 का। और घी वगैरह? फिर घी, घी 400-450। तो गाइस, महंगाई बहुत ज्यादा है, जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चीनी 200 रुपए किलो। आटा 5,000 रुपए का 40 किलो एक मान, यानी कि ठीक है ना। घी, घी कैसे? घी 400 रुपए किलो। और चीनी? चीनी 150-200। 200 रुपए किलो चीनी है, 400 रुपए किलो घी है, 5,000 का मान आटा है। फिर मतलब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, और 600-700 रुपए यार दिहाड़ी कमाते हैं। अब 600-700 दिहाड़ी कमा कर 8-10 बच्चों को ये क्या खिलाएंगे? अच्छा, रहने की दूर की बात, यार खाने के भी लाले पड़ रहे हैं भाई। हैं, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके 2 बच्चे हैं, तो अच्छा ये थोड़ा सा हमें घर दिखाएं आपका। एक ही घर है, ये एक ही कमरे में मतलब कोई 4 फैमिलियां रहती है ना? हाँ, 4 फैमिली जो है एक ही घर में रहती है। अलग अलग है। हाँ, देख सकते हैं आप, ये अलग है तकरीबन, वो अलग फैमिली, वो अलग फैमिली है। अच्छा, ये और ये यहाँ पर अलग खाना बनता है, यहाँ पर अलग बनता है, ऐसे ना? देखिए, ये गरीबों का एक ही तकरीबन 4 घरों के कपड़े पड़े हैं। एक कमरे में 4 लोग घर रहते हैं। हाँ, 4 परिवार रहते हैं, जिसमें अब सोचे कैसे। अच्छा, ये देख लें, ये आटे की ड्रमिया है ना, तो 2 ये पड़ी हुई है। अच्छा, 2 ये पड़ी हुई है, यानी कि 4 घरों की पड़ी हुई है ना? 4 घरों की पड़ी है। सही हो गया, ओके हो गया। एक कमरे में देख सकते हैं आप। अच्छा, तो इसमें मेरे ख्याल में खाना वगैरह बना कर रखा होगा, यहाँ पर कुछ बनाया पड़ा है जी। बात आप लोगों को मुझे पसंद आई कि गरीबी जितनी मर्जी हो, लेकिन ये देख लो जी, ये अपने धर्म को नहीं भूले हैं। ये देख लो, छोटी सी जगह बनाकर ना, इस तरीके से गत्ते का, थर्माकोल का ये बनाकर, ये किसी चीज़ का डब्बा था मेरे ख्याल में, तो इसका इन्होंने छोटा सा ये देख लो भाई मंदिर बनाया हुआ, बहुत ही प्यारा। इसमें कृष्णा और कुछ और फोटोज भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं जी, हनुमान जी का, और ये भगवान श्री रामचंद्र का,
तो देख ले जी, गरीबी जितनी मर्जी हो लेकिन अपने धर्म को ये नहीं भूले हैं, आज भी जो है ना धर्म को जिंदा रखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो देख सकते हैं जी, चले बाहर चलते हैं और फिर बाहर का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, इधर भी कोई फैमिली वगैरह रहती है इस साइड पे? नहीं अभी नहीं है, इधर एक ही फैमिली थी, वो ये बस एक कमरा है इन लोगों का, चार परिवार रहते हैं। अच्छा। ठीक है, जिसमें ये कैसे गुजारा करेंगे, ठीक है। और देखें वो बाहर पर वो चारपाई पड़ी हुई ये पड़ी है, मतलब खुले मैदान में रहते हैं, पदर में, मैदान में रहते हैं। अच्छा, बारिश वगैरह जब आती है तो फिर चार फैमिली कैसे नीचे सो जाते हैं ये लोग? तो अभी तो मतलब गाइस बारिशें वगैरह हो जाती हैं तो छापर वगैरह के नीचे गुजारा कर लेते हैं क्योंकि गर्मियां हैं, लेकिन जब सर्दियां आ जाएंगी और बारिशें होंगी तो फिर मतलब छापर फिर भी हाँ, फिर वो तो सर्दियां यार, इतनी ज़्यादा सर्दी में ठंड इनको पता नहीं कैसे लगे, कैसे ये बचेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनका जीना मुश्किल है। तो ये पास में एक जंगल टाइप का बना हुआ है, हम तो वो भी आपको थोड़ा सा जाकर दिखाते हैं। और खेती बाड़ी का काम करते हैं ये यहाँ पर। कितने एकड़ ज़मीन रखी हुई है आप लोगों ने? मैंने 10 एकड़। 10 एकड़ ज़मीन में कितने भाई हो आप? दो हिस्सा, 10वां हिस्सा। अच्छा, तो इन्होंने 10 एकड़ ज़मीन जो है रखी हुई है, उसमें खेती की हुई है। क्या कपास है? क्या है? कपास। 10 एकड़ कपास इन्होंने जो है लगाई हुई है और उसमें से 10वां हिस्सा इन्हें मिलेगा। और कटौती भी अच्छा 1 लाख, वो भी साफ ही नहीं मिलेगी, साफ ही नहीं मिलेगी। 100 मन कपास आ जाए ना तो उसको इसको मिलेगा 10वां हिस्से के मुताबिक 10 मन। अच्छा, उसमें से भी कितने हिस्से होंगे फिर? दो हिस्से, दो भाई वाले हैं, पांच पांच मान। तो भाई आप देख सकते हो फिर क्या गुजारा पड़ेगा, क्या गुजारा यार इन लोगों का होगा फिर? हाँ, रेट तो तकरीबन 8,000-10,000। अच्छा, उस तरफ क्या है, कोई तालाब वगैरह बना हुआ? पानी का तालाब बना हुआ, तो गाइस यहाँ पर ये तालाब है और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई मछलियाँ वगैरह इन लोगों ने पाली हुई है, पता नहीं ये इनके अपने नहीं, यहाँ पर जो बड़ा जिम्मेदार है ना उन लोगों ने मछलियाँ वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं जी। और मेरे ना GoPro की बैटरी लो हो गई थी, मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई, लो नहीं बल्कि ख़त्म हो गया, बंद हो चुका है ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर ये कैमरे की बैटरी एकदम से ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से फिर मैंने फ़ोन निकाल लिया और मैंने सोचा भाई व्लॉग को अब डी एंड करना है तो मोबाइल से कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी और आगे राठौड़ भाई से पूछते हैं कि आज का आगे क्या प्लान है, ठीक है। ठीक, तो ये है इनकी मोटरसाइकिल है जहाँ पर ये बच्चों की दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए जाते हैं, ये कुछ सामान दूर पड़ता है, शहर बहुत दूर है इन लोगों। अच्छा, शहर तकरीबन कितने मीटर दूर होगा, कितने किलोमीटर? तकरीबन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। फिर ये इस पे जाते हैं जी, ये इनकी सवारी है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस सवारी की हालत कुछ इस तरीके की है। ये पता नहीं कौन सा मॉडल है भाई, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। और एक यहाँ पर दो सवारियाँ इनके पास ये खड़ी हुई हैं जिन पे ये बच्चों की दवाइयाँ वगैरह जो है ना लेने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं घर पे और वहाँ पर जाकर अभी बहुत सारा और भी काम है तो वो भी हमने करना है। तो आज के व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर दी एंड। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।